धामनोद में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम दहीवर के रहने वाले किसान की कई भैंसे एवं गाय के साथ बछड़ा खेत पर चारा चरने गए थे, जहां लगे ट्रांसफार्मर में टूटी LT लाइन के तार से करंट की चपेट में आने से चारा चर रहे सभी मवेशियों की मौत हो गई। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते गत बुधवार को भी समीप ग्राम गुलझरी में भी दो भैंसे करंट की चपेट में आ गईं। उसके बावजूद भी विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। घटना के दौरान मजदूर भी मवेशियों के साथ ही थे। किसान दिनेश पटेल ने बताया कि विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर से झुलसे हुए तारों को ठीक करने के लिए कई दिनों पूर्व ही सूचना दे दी गई थी, उसके बावजूद LT का तार कैसे टूटा यह तो भगवान ही जाने। उन्होंने विद्युत विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा बताया इसे, जिसके चलते आज मेरी मवेशी करंट की भेंट चढ़ गए हैं। मेरा करीब करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरे पशुधन के नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है। इधर करंट लगने से 8 मवेशियों की मौत की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के सहायक यंत्री गणेश निहाले मौके पर पहुंचे और मौका पंचनामा बनवाया गया। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है कि करंट की चपेट में आने से मवेशियों की मौत हुई हो। गत सप्ताह भी 2 दुधारू भैंसे करंट की चपेट में आई, जिनकी मौत हो चुकी है। आखिर विद्युत विभाग की लापरवाहियां कब तक चलती रहेंगी? क्या मवेशियों और इंसानों की जान की कीमत महज मुआवजा देकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेना ही जिम्मेदारी बची है? पहले स्वयं जो जिनके भैंस मालिक है दिनेश पटेल जी, ड्राइवर के निवासी है, उनका अचानक फोन आया कि बोले सर मेरी भैंस से ITI के पास चलने गई है और वहाँ पे करंट लगने की सूचना आई है। जैसे सूचना मिली तत्काल मैंने लाइन बंद कराई। लाइन बंद कराने के बाद मैं भी तत्काल मौके पहुँचा, पटेल जी भी तत्काल मौके पहुँचे। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर से LT का तार टूटा हुआ है, किसी के खेत में पड़ा है, मक्के खेत में, और उसकी चपेटों में 6 भैंस, 1 पेड़ा और 1 गाय मृत हो गए हैं। अब जो भी होगा वो पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगा। सर आपका शुभ नाम होता है? गणेश नाहले। इनका भैंसों को करंट लगा है, क्या कुछ मामला है? मेरी भैंसे खेत पे चरने के लिए आई थी। अच्छा। खेत पे चरने मेरा नौकर भी लेके आया। अच्छा। साथ में आया था और वो LT का तार में करंट लगा। अच्छा। और मेरे 7 भैंस और 1 गाय करंट की चपेट में, जिसमें 3 दुधारू है और 4 भैंस जन्ने वाली थी। अनुमानित तो इनकी कीमत क्या लगाई? कम से कम 7 लाख। 7 लाख की। और मेरे दोनों नौकर बहुत मुश्किल से बचे। अच्छा। और मैंने कोई बाहर MPB को अवगत भी करवाया है। अच्छा। कि ये तारों को थोड़ा सा तंदुरुस्त किया जाए। तो ये वायर ऑलरेडी टूटा हुआ था या फिर ये तो अब भगवान ही जाने इसका। अच्छा। तो अब MP भी जाने, भगवान जाने। नहीं तो आपने अभी जैसे बोला कि वायर ढीले हैं। ढीले ढीला ढीले काफी तो इसके पहले आपने MP भी अवगत करा दिया? हाँ, अवगत करवा दिया था मैंने। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश पटेल, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष।